भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने 25 अक्टूबर बुधवार से अपनी विश्वास यात्रा का शुभारंभ किया है। इसके पूर्व भिलाई नगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विधायक देवेंद्र यादव ने बुधवार को अपना नामांकन कलेक्ट्रेट परिसर दुर्ग में जमा कर दिया। विश्वास यात्रा का शुभारंभ सेक्टर 9 हनुमान मंदिर से किया जाएगा। विश्वास यात्रा भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक वार्डों से होकर गुजरेगी। विश्वास यात्रा में कांग्रेस जनों के साथ भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्डवासी बड़ी संख्या में शामिल रहेंगे। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए उल्लेखनीय कार्य किया है। मजदूरों, किसानों, गृहिणियों, युवाओं, कामकाजी महिलाओं के हक में प्रदेश सरकार ने अनेकों कार्य किए हैं, जिसका लाभ सभी को मिल भी रहा है। विधायक देवेंद्र यादव ने यह भी कहा कि भाजपा के नेता केवल जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। भाजपा को विकास कार्य से कोई सरोकार नहीं। भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में भी उनके द्वारा निरंतर विकास कार्य कराए गए हैं, जिसका लाभ प्रत्येक समाज के लोगों के अलावा युवा वर्ग और बेरोजगारों को मिल रहा है। विधायक देवेंद्र यादव ने पत्रकार वार्ता के दौरान इस तरह की प्रतिक्रिया दी। भिलाई की जनता का बहुत आभार करूंगा, उनके इसने विश्वास आशीर्वाद से, कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं के इसने आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से भिलाई नगर विधानसभा का प्रत्याशी विधायक का मुझे घोषित किया गया। आज से हम विश्वास यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। निश्चित रूप से भिलाई की जनता के बीच में पिछले समय में जो हमारा संपर्क, संवाद और विकास कार्यों से जो हमारा एक विश्वास बना है, उस विश्वास को और मजबूती से लेकर हम लोग मैदान में जा रहे हैं और लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, पदयात्रा में लोग सम्मिलित होंगे और भिलाई की जनता के साथ, हमारी माताओं के साथ, बहनों के साथ मिलकर भिलाई की प्रगति के लिए अपना योगदान देंगे। मुझे पूरा विश्वास है 100% मतदान की जो हमारी कैंपेन रही है, उस कैंपेन को हम इस विश्वास यात्रा के साथ और मजबूत करेंगे और सभी से आग्रह करेंगे कि 100% मतदान करने भिलाई के लोग निकले। विश्वास यात्रा में प्रमुखता से हमारा फोकस रहेगा कि 100% मतदान करने के लिए इस बार भिलाई निकले। हमने एक मुहिम चलाई है जिसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि भिलाई उन शहरों में गिना जाए देश के अंदर जो सबसे जागरूक शहर है मतदान को लेकर, लोकतंत्र की खूबसूरती को लेकर। तो हम विश्वास यात्रा के दौरान सभी से आग्रह करेंगे कि मतदान में अपनी हिस्सेदारी लें और 100% मतदान करें। घोषणा पत्र पार्टी बनाएगी, निश्चित रूप से पार्टी ने हमेशा पत्रकार बंधुओं का सम्मान किया, आने वाले समय में भी वो सम्मान। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ की नब्स को समझते हैं, जनता के जो विषय हैं उनको समझते हैं और उनके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा योजनाएं बनाई हैं, लोगों को मदद की है और पूरे देश की प्रदेश की जनता के अंदर बेहद उत्साह है। प्रदेश की जनता चाहती है वो वापस मुख्यमंत्री बने, तो निश्चित रूप से ये चार घोषणाओं से भी बहुत लाभ होगा। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि फिर से कर्जा माफ़ किया जाएगा, तो काफ़ी किसानों को राहत होगी। इस तरीके आज ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के जो मुख्य विषय है, मूल विषय हैं, उस पर कभी भी बात नहीं करना चाहती। हमारी सरकार हेड काउंट्स पे बात कर रही है, तो उसमें गलत क्या है? हेड काउंट्स आवश्यक इसलिए हैं क्योंकि लोगों, एक बार जब हमारे पास हमारी जो जनसंख्या है उसका क्लियर रोड मैप आएगा, तो आने वाले समय में डेवलपमेंट्स के और बेहतर प्लान बन सकते हैं। मैं चूँकि चुनाव है तो कुछ वो कहेंगे ज़्यादा, वो मैं सिर्फ नहीं कहूँगा, वो कुछ तो कहेंगे, कहने दीजिए। हम जो काम कर रहे हैं वो जनता जानती है और हम लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम है गुमराह करना और वो लगातार लोगों के बीच में जाके अफवाह फैलाती है, अफवाहें का बाज़ार गर्म रखती है, लेकिन भिलाई है, भिलाई की जनता है, अफवाहों के बाज़ार से वो भिलाई की जनता को नहीं, के चुनाव को नहीं जीत सकती। उनको ज़मीन पे आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, जिसमें वो पीछे हैं।